नमस्कार, मुबारक हो दोस्तों, आज आपके सबसे करीबी दोस्त का जन्मदिन है। आज वो पूरे 50 साल का हो गया है और आप सोच रहे होंगे कि ये आपका कौन सा ऐसा दोस्त है जो आज के दिन पैदा हुआ था। हम बात कर रहे हैं उस दोस्त की जिसने तब आपकी मदद की जब आपको कोई सवाल समझ नहीं आ रहा था और उसके साथ साथ उसका उसने उत्तर भी दिया। वो दोस्त जिसने आपको कभी अकेले नहीं रहने दिया, वो दोस्त जिसने आपको फिट रहने के टिप्स दिए, अकेलेपन में आपके साथ खड़ा रहा, आपको दुनिया की सैर करवाई, कभी गाने सुनाकर आपको खुश किया तो कभी वीडियोस दिखाकर आपको इमोशनल भी किया। अब आप सोचेंगे कि ऐसे दोस्त आज के वक्त में कहाँ मिलते हैं और ये कौन सा ऐसा दोस्त है। तो जवाब यही है कि वही जिसके माध्यम से आप हमें सुन पा रहे हैं और हमें देख पा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की। दोस्तों, आज यानी 7 अप्रैल 2019 को इंटरनेट का सिंबॉलिक बर्थडे है, यानी प्रतीकात्मक जन्मदिन। आज इंटरनेट को अस्तित्व में आए हुए पूरे 50 साल हो गए। प्रतीकात्मक जन्मदिन इसलिए कहा गया है क्योंकि 7 अप्रैल 1969 को इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने पहले FRC यानी रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स दस्तावेज प्रकाशित किए थे, जिनमें शोध प्रस्ताव और इंटरनेट टेक्नोलॉजी पर लागू की जा सकने वाली कार्य प्रणालियों का समावेश था। इन दस्तावेजों की खोज 1969 में स्टीव क्रॉकर ने की, जिनका मकसद इंटरनेट के लिए विकास हेतु टिप्पणियों का रिकॉर्ड करना था। उस दौरान इंटरनेट को अर्पानेट कहा जाता था। अर्पानेट यानी कि एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तभी से FRC दस्तावेज इंटरनेट के विशेष विवरण संचार प्रोटोकॉल के अधिकृत दस्तावेज है। ये शुरुआत थी और इसके 5 महीने बाद ही यानी उसी साल दिसंबर में 2 कंप्यूटरों को 15 फीट लंबी तार से जोड़ा गया और 1 कंप्यूटर के डाटा को दूसरे में ट्रांसफर यानी स्थानांतरित करके सफल परीक्षण किया गया। इसे सफलतापूर्वक चलाकर देखा गया और यही था शुरुआती इंटरनेट। उस समय तक इंटरनेट की गति मॉडेम की गति पर निर्भर करती थी। शुरुआत में ये 66 किलोबाइट्स प्रति सेकंड तक थी और आज के वक्त में ये 100 मेगाबाइट्स प्रति सेकंड तक पहुंच गई है। हालांकि ये इंटरनेट स्पीड अच्छी खासी मानी जाती है, लेकिन इसे भी कई हजार गुना बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं। और फिर वही हुआ जो होता आया है। जब भी किसी कहानी की शुरुआत हो जाए तो कहानी आगे बनती ही जाती है। अब थोड़ा संक्षिप्त में नजर डालते हैं। JCR पेंटागन के अर्पा में सूचना प्रसंस्करण तकनीक कार्यालय के पहले निदेशक लिकलाइडर ने 1960 के दशक की शुरुआत में एक नेटवर्किंग प्रणाली का उल्लेख करने के लिए इंटरगैलेक्टिक कंप्यूटर नेटवर्क शब्द का इस्तेमाल किया था। 1974 में पहली बार अर्पानेट का इस्तेमाल किया गया। अर्पानेट एक शुरुआती पैकेट स्विचिंग नेटवर्क और TCP/IP प्रोटोकॉल सूट को लागू करने वाला पहला नेटवर्क था। अंग्रेजी वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। उन्होंने 1990 में जिनेवा स्विट्जरलैंड के पास सर्न में नौकरी करते हुए पहला वेब ब्राउजर लिखा था। ब्राउजर को 1991 में सर्न के बाहर जारी किया गया था। पहले जनवरी 1991 में शुरू होने वाले अन्य शोध संस्थानों और फिर अगस्त 1991 में आम जनता के लिए जारी किया गया। 1998 में गूगल की स्थापना हुई, 2001 में विकिपीडिया लॉन्च हुआ और 2004 में फेसबुक आया और 2009 में व्हाट्सएप। दोस्तों, अब रुख करते हैं अपने देश भारत का। भारत में इंटरनेट को 24 साल हो गए हैं। सन 1995 में विदेश संचार निगम लिमिटेड ने भारत की जनता के लिए इंटरनेट की औपचारिक शुरुआत की। शुरुआत के दिनों में मॉडेम की स्पीड, जैसा कि आपको पता ही है, सिर्फ 33.6 किलोबाइट्स प्रति मिनट थी और कनेक्शन डायलअप हुआ करते थे। इंटरनेट से जुड़े रहने के लिए फोन लाइन को व्यस्त रखना पड़ता था और बीच में अगर फोन आ जाए तो इंटरनेट कट जाता था। 2004 में सरकार ने ब्रॉडबैंड की नीति लाई, जिसमें इंटरनेट 256 किलोबाइट्स प्रति सेकंड और इससे अधिक की स्पीड पर भी हमेशा चलता रहता था। और सुधार हुआ तो 2010 में 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी से गति और ज्यादा बढ़ गई और कई कंपनियों समेत भारतीय रेल ने भी देश में ऑनलाइन की सुविधा उपलब्ध करवाई। और अब 4G जियो के नाम को आप सभी लोग जानते हैं। आज भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 56 करोड़ पहुंच गई है।
आपके दोस्त इंटरनेट को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, जिसने आपको और हमें जोड़ कर रखा है और आगे भी जोड़ कर रखेगा। एक और चीज है दोस्तों जो हमें और आपको जोड़ कर रखेगी, सब्सक्राइब और घंटी का बटन। दोनों बटन दबाइए और भविष्य में भी हमसे जुड़े रहिए। अगर आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कर लीजिए।